हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाले। आज मैं आप लोग के लिए ईद स्पेशल हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। मुझे कमेंट आया था कि मैम ईद के लिए कुछ सिंपल इजी हेयर स्टाइल बताइए, तो ये सारे हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है, बहुत इजी एंड बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो जिनको भी हेयर स्टाइल सीखने में इंटरेस्ट है, वीडियो को देखिए एंड तक, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। जो सेकंड चैनल है मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियो, जिस पर अपलोड करते रहती हूँ, ये मेकअप मैंने कैसे किया है उस पर पूरी वीडियो डिटेल में डाली हुई है। आईलैशेस कैसे लगाना चाहिए, मेकअप आपको वाटरप्रूफ कैसे बनाना है, सब कुछ तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। इन हेयर स्टाइल में ज़्यादा आपको हेयर स्टाइल टूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजी तरीके से आराम से बना लोगे। और हाँ, सेटिंग स्प्रे कौन सा यूज किया है वो भी ये बता देती हूँ मैं। हुड्डा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया था फेस पे अपने, मेकअप किया था मैंने, तो इसको मैं अभी मेकअप फिक्सिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो मैं इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। अप्लाई करने के बाद इसको ऐसे ही सूखने दीजिएगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो जैसे फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है वो मैं साइड पार्टीशन से कर रही हूँ, आप बीच मांग कर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हेयर को लेना है, साइड से हेयर को थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेंगे, देन सिंपल सी चोटी बना लेंगे। चोटी बनानी तो सबको आती होगी, सिंपल वाली। तो जो बिल्कुल बैगनर्स हैं उनके लिए भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल है लॉन्ग फेस वालों पे जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड कर लेंगे ईयर पर, उसके बाद अपनी चोटी को सिंपल सा गूंथ लेंगे। इस तरीके से हेयर को हटाएंगे, चोटी को सिंपली नीचे की तरफ रखेंगे और क्लिप की मदद से इसको नीचे सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस करके निकाल लगाएंगे, तो आपका बाल कितना भी खींचे कुछ भी हो, हेयर टाइम नहीं बिगड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया ईद के लिए। है ना, बहुत ही इजी है, सिंपल सा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। एक साइड का बाल आपको खुला ही रखना है। बाउंसी के लिए अगर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग दे दो और इस तरीके से छोड़ दो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया ईद के लिए। छोटे बालों को भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, अगर आपके बाल ये शोल्डर लेंथ है, हेयर लेंथ है, तो भी आप बना लोगे और बहुत प्यारा लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में इधर का तो आपको खोलना नहीं है, दूसरी साइड इतना आप छोड़ दोगे जिससे कि आपका फेस का जो फेस को थोड़ा सा फ्रेम मिल जाए। और यहाँ से हेयर को लेंगे, हल्का सा ट्विस्ट देंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे अगेन आपको क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे और हेयर को ऊपर से लगा देना। क्लिप डबल लगाइएगा जैसे मैंने बताया। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, खुले बालों में ईद के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सारे बालों को एक साइड में ले आएंगे। कोई भी हेयर स्टाइल खोल नहीं रही हूँ मैं, ताकि आपको इजी रहे समझने में और टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये जो लेयर है इसको निकाल लेंगे, साइड से भी अगर लेयर लेना है तो ले लीजिए। सारे बालों को एक साइड में लेके आएंगे, एक रबर बैंड यहाँ पे लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू ड्रेस पहना है इसलिए मैंने ब्लू रबर लगाया है, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो। हेयर को इस तरीके से खींच देंगे नीचे की तरफ और टाइट कर लेंगे। आपको अगर रबर बैंड नहीं पसंद है दिखे तो थोड़ा सा हेयर लेके रबर बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेट दो, जिससे कि आपका रबर बैंड जो है वो हाइड हो जाए।
ओके एंड यू पिन या फिर बॉबी क्लिप से इस तरीके से जो लास्ट वाला पॉइंट है हेयर का उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करके पिन को लगा दें। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। छोटे बालों में बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल होगा ईद के लिए। ईद स्पेशल समर थ्री इजी एंड क्विक हेयर स्टाइल है। कॉलेज गर्ल्स बना सकती हैं, ऑफिस गर्ल्स बना सकती हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बहुत छोटे बाल हैं तो भी आप बना सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। चौथा हेयर स्टाइल है, अगर आप वुमेन हो, आपको बाल खुले हुए लंबे बाल हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को ले लेना है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बना लोगे ये वाला भी हेयर स्टाइल। मांग निकालना नहीं निकालना ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए फ्रंट से आपका लुक। तो ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल होगा। चौथे हेयर स्टाइल में सिंपली वालों को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं आता है वो लोग भी बना लेंगे। रबर बैंड लगाना है रबर बैंड लगा लो, नहीं लगाना है तो अपनी पिन के इसको सिक्योर कर सकते हो। अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो नीचे पोनी टेल बना के उसके बाद ये कीजिए तो आपका लंबा टाइम तक रहेगा, वैसे ऐसे भी रहेगा नहीं निकलता है। तो ये हमारा लो बन हेयर स्टाइल होगा जो साड़ी से भी बहुत प्यारा लगेगा, अगर आपने साड़ी डाली है ईद में तो, और आप जो भी ड्रेस डाल रहे हो उसके साथ ये अच्छे से जाएगा और बहुत ईजी है। तो कोई भी बना सकता है, अगर आपको बालों को जुड़ा बनाना है तो ये लुक दे सकते हैं। छोटे बाल भी बनते हैं, मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे नहीं छोटे ही हैं और बहुत अच्छे सा लुक आ जाता है बालों का। फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप चाहो तो फ्रंट में पफ वगैरह भी ट्राई कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये वाला चौथा हेयर स्टाइल हो गया। तो अभी चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। गर्ल्स हो, जींस टॉप डाल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, सिंपल सा लुक चाहिए जिसमें आप स्टाइलिश भी दिखो और बहुत सिंपल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ बहुत बड़ा हेयर स्टाइल बनाया है। तो उसके लिए बताने वाली हूँ आपका पांचवा हेयर स्टाइल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बालों को ओपन कर देती हूँ। दो तीन क्लिप में मैंने सिखाया था आपको, अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए जैसे 24 घंटे के लिए कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप 5-6 क्यूपिन लगा लीजिएगा अच्छे से। तो जो पांचवा हेयर स्टाइल है उसमें आपको आईब्रो का जो आर्क है यहाँ से हेयर को लेंगे, आगे की तरफ फूल करेंगे, हल्का छोटा सा पफ बना लेंगे इन बालों में, एकदम छोटा मतलब फ्रंट के साइड में ही पफ बनाना है जिससे कि आपका पफ जो है वो निकले नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब आपको सारे बालों को एक हाई पोनीटेल बनानी है। हाई बन बनाना अगर नहीं आता है तो उसकी वीडियो मैंने डाली है, हाई बन बनाने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। पूरा तो अच्छे से कॉम करके एकदम क्राउन एरिया पे अपना हेयर को ले आएंगे सारे हेयर को। बहुत इजी तरीके से गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। ज़्यादा टाइट में नहीं कर रही यहाँ पे, आपको जितना टाइट चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सिंपली सारे बालों को ट्विस्ट करेंगे, टाइटली ट्विस्ट कर लीजिएगा। सिंपल तरीके से बहुत इजी स्टाइलिश एंड क्विक हेयर स्टाइल है। सारे हेयर स्टाइल आप 1-2 मिनट में बना लोगे, अंडर 1 मिनट में। ये पांचों हेयर स्टाइल आपका हो जाएगा ईद में, गर्मियों में सारे हेयर स्टाइल बहुत स्टाइलिश लगेंगे। शादी का सीजन होगा तो आप शादियों में भी बना सकते हो और बहुत इजी तरीके से बना लोगे। तो आई होप कि आज का जो हेयर स्टाइल है तो पसंद आए। तो ये गर्ल्स बना सकते हैं, जीन टॉप वगैरह पे हाई बन रहेगा, गर्मियों का टाइम है तो आपको अनकम्फर्टेबल नहीं होगा और कम्फर्टेबल भी रहोगे, अपना पार्टी अटेंड अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर मैं एक क्लिप लगा रही हूँ बॉडी क्लिप, और ये बन जो है वो थोड़ा सा इस तरफ को जा रहा है, इस तरीके से इसको पुल करेंगे और यहाँ से एक यूपिन लेके स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हेयर इस तरीके से। आपको जैसा कि पता है कि मुझे हाई बन पसंद है तो मैं लास्ट ईयर में अक्सर कुछ ना कुछ करके हाई बन बना देती हूँ लास्ट वाले हेयर स्टाइल में। और इस तरीके से लेयर्स निकालना बिल्कुल भी ना भूलें, हो सके तो आप बैंग कट करा लीजिए।
डेस्टिनेट ली है 5 kg सिंपल क्विक हेयर स्टाइल, जो कि आप ईद में गर्मियों में छोटे बाल हैं तो बना सकते हो, साड़ी पे लहंगे पे जो जो भी आप पहन रहे हो पार्टी में अपना हेयर ड्रेस, उसके साथ सारे हेयर स्टाइल जाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेकअप वीडियोज़ देखने के लिए सेकंड चैनल पर जाइएगा, इंस्टा आई डी 3 20 वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।